See, after learning about the position of hydrogen, now we need to learn the occurrence of hydrogen and uske isotopes. Actually, dihydrogen is most abundant element in universe. Universe ke andar, in fact, 70% of total mass of the universe is hydrogen. ऐसा है कि काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स से इन पे को हाइड्रोजन से ही बने हुए, जैसे कि जुपिटर है या मार्स है या तो सेटर्न है. ओके, दे ऑल ऑफ देम दे हैव द जायंट प्लैनेट्स मोस्टली हाइड्रोजन से ही बने हुए. हाउएवर वो लाइट इन नेचर होता है, इसलिए अर्थ पे हाइड्रोजन इतना नहीं है जितना बाकी प्लैनेट में. नॉर्मली 0.15% है, बिकॉज अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज नॉट दैट ग्रेट एज जुपिटर और सेटर्न और लाइक दैट. तो दे पुल इट वेरी स्ट्रांगली हाइड्रोजन को. ओके, ऑफ कोर्स, बट हाइड्रोजन आपको मिलता है एज फार एज 15.4% इन द फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर. काफ़ी सारे कंपाउंड के अंदर रहे, कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में. ओशंस के अंदर मिलता है आपको, वाटर के अंदर. सो इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के अंदर भी मिलेगा आपको. ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो वो सब जगह से आपको सोर्स मिलते हैं. अगर हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटोप्स. ओके, वन इज प्रोटियम, दैट इज 1H1, सेकेंड इज ड्यूटेरियम, दैट इज 1H2 और कैपिटल डी लिखते हैं, जिसको हेवी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, एंड थर्ड इज ट्रिटियम. ओके, अगर हम डिस्कशन करते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इन तीनों के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. अगर हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम की बात करते हैं, इन तीनों का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, तीनों में 1, 1 एंड 1. अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो आप, तो तीनों के पास इलेक्ट्रॉन भी 1, 1 है. फर्क है एटॉमिक मास के अंदर. एटॉमिक मास, ओके, पहले वाले का 1 है, दूसरे का 2 है, इसका 3 है. उसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग रहेंगे. इसके पास 0 न्यूट्रॉन है, इसके पास 1 न्यूट्रॉन है, और इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है. सबसे बेसिक डिफरेंस ये है. ओके, अनदर डिफरेंस जो हमको देखने को मिलता है वो ये है कि इसका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन अलग अलग रहता है. उससे पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ कि 1934 में अमेरिकन साइंटिस्ट हैरोल्ड सी यूरे, ही गॉट द नोबेल प्राइज बिकॉज सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप्स. ओके, जो ड्यूटेरियम है उसको उन्होंने सेपरेट किया बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, जो इतना ईजी नहीं होता है, बट ही कुड डू दैट, दैट्स व्हाई ही वाज बीइंग अवार्डेड एज अ नोबेल प्राइज. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि कितना इसका प्रपोजन रहता है, अगर हम प्रपोजन्स की बात करते हैं, नॉर्मली प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम की बात करेंगे, तो जब आपको ड्यूटेरियम जो है वो ओनली 0.0156% ही मिलता है. नॉर्मल अगर आप हाइड्रोजन फाइंड करते हो एटमोस्फियर के अंदर, तो ये हाइड्रोजन के अंदर मैक्सिमम हाइड्रोजन एच वाला यानी कि प्रोटियम रहेगा. ड्यूटेरियम का परसेंटेज कितना है, 0.0156% आउट ऑफ 100. ओके, 99.9% कौन सा रहने वाला है, हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटियम. एंड ड्यूटेरियम कितना रहने वाला, खाली 0.0156%. और एक बात करते हैं, और वो भी कैसे, डायरेक्ट D2 तो बहुत कम मिलता है. नॉर्मली फॉर्म रहता है HD के फॉर्म में, एक होता है HH H2. डायरेक्ट D2 तो बहुत कम रहता है, हमेशा कैसे रहेगा, H और D, HD के फॉर्म में रहता है. एंड ट्रिटियम ऑलमोस्ट, जब आप 10^18 एटम्स प्रोटियम के फाइंड करते हो ना, तब जाके 1 एटम ट्रिटियम का मिलेगा. ट्रिटियम कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस. जब 10^18 एटम्स आपको मिलते हैं प्रोटियम के, तब जाके वो मिलता है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ट्रिटियम है वो अकेला ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, एंड इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स, और उसकी टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड 12.33 ईयर्स है. ओके, अभी आपके सिलेबस में हाफ लाइफ पीरियड के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ट्रिटियम, तो ट्रिटियम होता है वो नॉर्मली यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स को निकाल के कोई एक स्टेबल पार्टिकल, नॉर्मली हाइड्रोजन के अंदर वो कन्वर्ट होता जाता है. किसके अंदर कन्वर्ट होता है, या तो फिर हीलियम के अंदर कन्वर्ट होगा, बट या तो अगर हम दूसरे रेडियो एक्टिव पार्टिकल की बात करें, यूरेनियम. यूरेनियम क्या है, ओके, काफ़ी सारे पार्टिकल्स निकालने के बाद वो थोरियम के अंदर कन्वर्ट होता है, थोरियम के बाद लास्ट में वो लेड में कन्वर्ट होता है. लेड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, एक सीरीज है. बट जब यूरेनियम लेड में जब कन्वर्ट होता है, तो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है. खाली यूरेनियम का नहीं, हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो ये है
कि आप शुरुआत में कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। लेट्स से कि 500 ग्राम लिया, 500 ग्राम से उसको 250 ग्राम कन्वर्ट होने के लिए लेड के अंदर कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टी हाफ, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये हो गया सर, ओके, जो भी इनिशियल क्वांटिटी है, लेट्स से आपने यूरेनियम 100 ग्राम लिया था, तो 100 से 50 कन्वर्ट हो जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको टी हाफ बोलते हैं, ओके, वो हमेशा फिक्स होता है। फिक्स का मतलब मैं आपको बताऊं, ओके, जैसे कि यहां पे हमें ट्रिटियम के लिए बताया जा रहा था, ट्रिटियम अगर आपने 100 ग्राम लिया, 100 ग्राम में से 50 ग्राम डीके होने के लिए उसको 12.33 इयर्स लगता है, 12.33 इयर्स, ओके, अभी 50 ग्राम जो बाकी रह गया ना ट्रिटियम, उसको वापस डीकंपोज होके 25 ग्राम बनने के लिए 12.33 इयर्स वापस लगेंगे, और जो 25 ग्राम बच गया उसमें से 12.5 डीके होने के लिए वापिस 12.33 इयर्स लगते हैं। बट समटाइम्स स्टूडेंट आस्क मी, सर जो पहले स्टेप में 50 ग्राम कन्वर्ट हुआ उसके लिए कितना था, 12.33, और दूसरे लास्ट ये जो थर्ड स्टेप है उसमें तो खाली 12.5 ग्राम ही कन्वर्ट हुआ, फिर भी 12.33 रहेगा। हाफ लाइफ का मतलब ये हुआ, ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन रेडियो एक्टिव क्वांटिटी टू डीके बाय हाफ अमाउंट, उसका इनिशियल अमाउंट जो होगा उसका हाफ होने के लिए, इवन 1 ग्राम से 0.5 ग्राम होने के लिए भी वो 12.33 ईयर लेगा। इनिशियल क्वांटिटी से हाफ होने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए वो सेकंड्स में होता है, किसी के लिए ईयर्स में होता है, किसी के लिए मिनट्स में होता है, तो इसको आप अंडरलाइन जरूर करोगे हम जब रेडियो एक्टिव करते हैं, ओके। उसके बाद एक साथ में आपको बोल रहा कर लेना, अभी जरा यहाँ पे जान देंगे, एक टेबल दिया गया है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, याद रखना उसमें हमें ये एक चीज को याद रखना है जो मैं आपको बता रहा था, आउट ऑफ 100%, अगर आपके पास 100% है उसमें से हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना रहेगा, 99.9%, प्रोटियम ये कितना रहेगा, 0.0156, और ये 10^-15, वो हमें पता होना चाहिए आइसोटोप्स के बारे में, बराबर है कि नहीं। लेट्स सी कि और कुछ हमारी टेक्स्ट बुक में आइसोटोप्स के बारे में दिया गया है, ओके, एक चीज हमें बताई गई है कि नॉर्मली आइसोटोप्स दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज तीनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, दैट्स व्हाई उन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, हाउएवर दे डिफर बाय मास, उन तीनों के अंदर डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास, इसीलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग रहेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ओके। In physical properties, these isotopes differ considerably due to their large mass differences. ये हो गया हमारा isotopes of hydrogen.